नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर के प्रत्याशियों की तरफ से, जनप्रतिनिधियों की तरफ से तैयारियां जो हैं वो जोरों से चल रही है। कल से पहले चरण की वोटिंग भी शुरू हो रही है। जी हां, 24 सितंबर से पहले चरण की वोटिंग शुरू हो रही है। लेकिन इस बीच पंचायत चुनाव पर एक बड़ा खतरा मंडराने लगा है। जी हाँ, पंचायत चुनाव स्थगित करने की मांग की गई है। इसके लिए हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि मधुबनी जिला के लौकहा के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अमीर जफर ने यह जनहित याचिका दायर की है। याचिका दायर करने वाले वकील मधु प्रसून के अनुसार कोरोना से अभी भी लोग डरे हुए हैं और इसका बड़ा असर पंचायत चुनाव पर पड़ने की आशंका है। एम्स के डॉक्टर गुलेरिया का स्टेटमेंट भी कोर्ट के समक्ष रखा गया है, जिसमें उन्होंने कोरोना की भयावहता का जिक्र किया था। मधु प्रसून के अनुसार कोरोना के मद्देनजर कांवर यात्रा पर भी उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद रोक लगाई गई थी। दायर जनहित याचिका की कॉपी स्टेट इलेक्शन कमीशन, पंचायती राज विभाग, चीफ सेक्रेटरी बिहार को भी भेजी गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सर्वे की कॉपी भी याचिका में लगाई गई है, जिसमें बताया गया है कि कोरोना की दूसरी लहर का ज़्यादा प्रभाव ग्रामीण इलाकों में हो रहा है और तीसरी लहर में भी गाँव में ही ज़्यादा प्रभाव होने वाला है, आशंका है। ज़्यादा ग्रामीण लोग ही प्रभावित होंगे, इस तरह की आशंका जताई गई है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में भी हुई मौतों का जिक्र जनहित याचिका में किया गया है। याचिका में जब तक बिहार में टीकाकरण पूरा नहीं हो जाता तब तक के लिए पंचायत चुनाव स्थगित करने की मांग की गई है। इस चुनाव से कोरोना के प्रसार को फिर से बल मिल जाने की आशंका जाहिर की गई है। याचिका में कहा गया है कि पंचायत चुनाव के लिए दी जा रही ट्रेनिंग में भी कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। कल से मतदान का दौर शुरू हो रहा है जो दिसंबर महीने तक चलेगा। अब देखना यह है कि हाईकोर्ट इस याचिका पर क्या कार्रवाई करती है, हाईकोर्ट की तरफ से इस याचिका पर क्या कुछ सुनवाई की जाती है, क्योंकि याचिका दायर कर दी गई है और पंचायत चुनाव स्थगित करने की मांग कर दी गई है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।